जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, हमेशा की तरह अपने व्यूवर्स को, देखने वालों को लम्हा बलम्हा अपडेट रखते हैं हम अपने चैनल पर। आज मौसम अच्छा था, रमज़ान का 27वां रोज़ा हो चुका है, तो साइड के ऊपर आए थे तो ठेकेदार साहब हमें मिल गए, मोहम्मद इमरान साहब। आपका इमरान साहब से हमारी मुलाकात होगी, टीम इनकी लगी हुई है, वो सब परेशान हो गए, उस्ताद का इंटरव्यू हो गया, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। तो इनसे कुछ इनकी ज़ुबानी में आपसे को रिकॉर्ड करना चाहूँगा, क्योंकि हम तो कह लेंगे माल बेचने वाले लोग हैं, हमने यूट्यूब पे बैठ के वो बोल रहे हैं कि ताकि माल बिके, लेकिन मैंने मेरी कोशिश होती है कि ग्राउंड रियलिटी भी आपको पता चले मेरे देखने वालों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को। तो अब कह लेंगे इस वक्त जो लेबर काम कर रही है उनके ये ठेकेदार हैं, इन्होंने ये ठेका लिया हुआ है, तो मैंने कहा ज़रा मैं इनसे भी कुछ अल्फाज इनकी ज़ुबानी रिकॉर्ड करके आपको चैनल पर लगाऊँगा, ताकि आसानी होगी आपको भी कि वाकई ही GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर जो 7 वंडर सिटी उन्होंने अपना मुल्तान में लॉन्च किया है, इसके ऊपर काम हो रहा है और ये किस लेवल पे काम हो रहा है ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो इमरान भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया हमें, क्योंकि कीमती टाइम आपका भी है, ठेकेदारी के निज़ाम में सारे मामला आते हैं। तो ये जो हमारा मेन एंट्रेंस है यहाँ से, ये जो आप टसू इसको टफ टाइल कहते हैं, आप टफ टाइल लगा रहे हैं, ये कितने टाइम में ये काम कम्प्लीट हो जाएगा? ये जो आपका फ्रंट एरिया है ना, ये ईद से पहले मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। ईद के बाद जो आगे थड़ियाँ वो सारी ईद के बाद बनेंगी बाकी। ठीक, ये जो जितना रकबा इन्होंने सोसाइटी वाला ये वाला है, ये पूरे में आपको इसे ठेका दिया गया टफ टाइल लगाने का? सारे में टफ टाइल लगानी है। सही, तो ये कितने टाइम में आप समझते हैं कि ये टफ टाइल लग जाएगी और दुनिया आबाद हो, मेला शुरू हो जाएगा इधर? ज्यादा से ज्यादा हमारा इधर 1 से 1.5 मंथ का काम है, ज्यादा से ज्यादा बस। सही, ईद के बाद ना, ईद के में सारा कवर हो जाएगा इनकी। ईद के बाद 1 महीने के अंदर आप ये समझते हैं कि ये 18 या 20 एकड़ का ये जो है एरिया, इसमें आप अपनी टफ टाइल लगा के ये जो रोड डिक्लियर कर दिए गए हैं, इसको आप कंप्लीट कर देंगे? गुड। और इसमें जो आ रहे हैं ये अपना कंटेनर आ रहे हैं, वो कहाँ पे रखे जाएंगे? ये सामने जगह बनेगी कंटेनरों की ना? ठीक, हो गया, इधर रखेंगे। ओके, यानी कि इनका पोटेशन बन गया और ये कंटेनर इधर ईद के बाद शिफ्ट हो जाए। सही, तो ईद से पहले पहले आप ये फ्रंट वाला जो गेट का कंप्लीट कर देंगे? सही। तो आया आपका काम, आप भी मुल्तान के रहने वाले हैं, ये कराची के मेहमान आए हुए हैं, इनसे आपका वास्ता पड़ा है, मैं अपने व्यूवर्स की देखने के लिए आसानी के लिए बताऊँ, कैसे लोग हैं ये? नहायत अच्छे लोग हैं सर, वक्त पे डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल, वक्त पे हर चीज टाइम पे दे रहे हैं, ठीक है ना, हमें कोई परेशानी नहीं इनके साथ, परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, इनकी अच्छा काम है। और कह लेंगे मैं जब देखता हूँ, जब सोसाइटी काम स्टार्ट करती है टाइम फ्रेम लेती है, अब इन्हें मैं अभी वीडियो में बता रहा था कि तकरीबन कोई महीना हुआ है काम स्टार्ट की, और फैक्ट्री को गिराना और उसके ऊपर डेवलपमेंट करनी और उसको आगे डिलीवर करना शॉर्ट नोटिस के ऊपर, ये एक अच्छा उनकी अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। आप अपने देखने वाले को कहेंगे कि आप इधर प्लाट ले लें आगे? बिल्कुल, सबको कहा है, अभी हमारे दोस्त अभी भी चक्कर लगा गया, ठीक है ना, ईद के बाद वो इंशाल्लाह लेंगे, मेला लगेगा, बिल्कुल आबादी होगी इंशाल्लाह सारी इधर ना, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपकी कीमत है, थैंक यू जी। मैं आपको अभी मुलाकात आपकी करवाई इमरान भाई से, ये ठेकेदार हैं इधर के, तो सिर्फ इधर आके आपको ये दिखाने का मकसद और ये दुनिया पे लेके आने का मकसद यही था कि आपको एक्चुअल पता चले कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह ईद के 4 दिन रह गए हैं, ईद के फौरन बाद ये जब ये टफ टाइल लग चुकी होगी मेन गेट की एंट्रेंस के ऊपर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो इधर माहौल कुछ और नज़र आएगा आपको, ठीक है। जब ये इस साइड पे ये पोटिशन बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट बन चुके हैं, एक कंटेनर आ चुका है, तो ये 10 कंटेनर ऑलमोस्ट 11 बनेंगे जो इस साइड पे ऊपर रखे जाने हैं, तो इसके अब आगे वाला पत्थर भी डल चुका है, तो माहौल कुछ और नज़र आएगा। अभी आपके पास बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, अपना टाइम ज़ाया मत करें, इन्वेस्टमेंट करें, फ़ायदा हासिल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।